बात करते हैं मऊ की, जहां नकली सीमेंट फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। थाने से चंद कदमों की दूरी पर ही ये फैक्ट्री चल रही थी और सीओ सिटी धनंजय मिश्रा ने शिकायत मिलने के बाद छापेमारी की और इस दौरान मौके से 68 बोरी नकली सीमेंट को जब्त किया गया है। ब्रांडेड सीमेंट की बोरियों में नकली सीमेंट भरा जा रहा था और इसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस एक्टिव हुई और छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं अमरनाथ सिंह, इंडस्ट्रियल एरिया बड़ुआ गोदाम के पास। ये प्लांट में अवैध सीमेंट, नकली सीमेंट बना रहे थे। ये बोरियां तैयार ले लेते थे, जो ऊपर से सिली हुई रहती थी, थोड़ी सी जगह छोड़ देते थे उसमें और कीप के माध्यम से उसमें भरते थे। ये जो खराब सीमेंट होता है और जो डस्ट होता है उसको इकट्ठा करते थे और उसको मिक्सिंग प्लांट लगा रखा था इन्होंने अपना, उसमें मिक्सिंग प्लांट में मिक्स करके और उन बोरियों में भर के और सील करके कुछ अल्ट्राटेक के नाम पे, कुछ वहाँ रिलायंस की भी बोरियां मिली है। तो जब पुलिस पहुंची है वहाँ। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो इन्होंने कुछ बोरियों को पीछे, इनके लोग जो मजदूर वगैरह थे और ये लोग थे, इन्होंने उसको डिस्ट्रॉय करने का भी, जलाने का भी प्रयास किया। अब खबर ग्रेटर नोएडा वेस्ट से है, जहां मिलक लच्छी गांव में कबाड़ी के गोदाम में आग लग गई और इससे गोदाम में सो रहे 2 मजदूरों दम घुटने से मजदूर बेहोश हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो कबाड़ के गोदाम में आग लगी थी और इसमें 2 मजदूर पहले बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिशें शुरू की गई। आगे बढ़ते हैं, मथुरा से बड़ी खबर है, जहां कोसीकला इंडस्ट्रियल एरिया में हादसा हुआ है। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। निर्माणाधीन फैक्ट्री में काम करते वक्त गिरने से यह हादसा हुआ और इसमें 2 मजदूरों की जान चली गई। पुलिस ने 2 मजदूरों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो मथुरा के कोसीकला के इंडस्ट्रियल एरिया में यह हादसा हुआ, निर्माणाधीन फैक्ट्री में काम कर रहे थे मजदूर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात मुजफ्फरनगर की करते हैं, जहां पानीपत खटीमा नेशनल हाईवे पर प्रशासन ने एक धार्मिक स्थल को बुलडोजर की मदद से हटा दिया। बताया जा रहा है कि सभी लोगों की सहमति से प्रशासन ने इस काम को अंजाम दिया। निराना गांव के पास 40 साल पुराने मदरसे को हटाया गया। दरअसल पानीपत खटीमा नेशनल हाईवे 709 AB पर पिछले कई महीनों से काम चल रहा है, जिसके चलते बीच में आने वाले धार्मिक स्थलों को हटाने का काम किया गया। 40 साल पुराना ये मदरसा बताया जा रहा है, जिसको हटाने का काम किया गया। ये पानीपत खटीमा मार्ग जो है 709 AD के रूप में जाना जाता है। यहाँ शेर नगर से लेकर के निराना तक हमारे क्षेत्र के अंतर्गत है। तो जो NH की जद में आ रहे हैं उनको हटाया जा रहा है। इसमें ग्रामीणों के सहयोग से इसको हटाया गया है और कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है, सभी का सहयोग है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।